एक डिजिटल टाइमर को बाईपास करने के लिए किस प्रकार से आप सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करते हुए वायरिंग करोगे, उसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास में एक डिजिटल टाइमर है जिसको हम टाइम स्विच के नाम से भी जानते हैं। ये जो मेरे पास में डिजिटल टाइमर है, इस टाइमर को CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस टाइमर का मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे जो टाइमर है, इस टाइमर के ऊपर में आप देखोगे यहाँ पर टोटल 4 टर्मिनल दिया गया है कनेक्शन करने के लिए। इस टर्मिनल को आप देख के समझ जाओगे कनेक्शन कैसे करना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइमर को इनपुट पावर सप्लाई देने के लिए मैं यहाँ पे MCB का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, MCB का जो एक टर्मिनल है जहाँ पे मुझे फेज सप्लाई मिलेगा, उस पॉइंट पे एक वायर को कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा, इसको ले जाके ये जो L वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट करना होगा। तो मैंने इस वायर को ले जाके L वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया। अब इस टाइमर को हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना होगा, तो इसको प्रोवाइड करने के लिए MCB का जो दूसरा टर्मिनल है जिसपे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा, उस टर्मिनल के साथ इस वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा, इसको लेके जाना है और N वाले टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो मेरा टाइमर था, इस टाइमर को हमने इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब इस टाइमर का जो आउटपुट वाला टर्मिनल है, इस टर्मिनल पे जो भी आप लोड कनेक्ट करना चाहो उसको कनेक्ट करके उस लोड को चालू और बंद कर सकते हो। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे एक लैंप का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस लैंप के दोनों वायर को ले जाके आउटपुट वाला जो टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। यानी कि अभी के टाइम पे हमारा जो टाइमर है, ये टाइमर हमारा इस बल्ब को चालू और बंद करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल कनेक्शन था, कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब यदि मैं इस MCB को ऑन कर दूं तो भी आप देखोगे हमारा लैंप ग्लो नहीं हुआ। लैंप को ग्लो करवाने के लिए हमें इस टाइमर में प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, जिसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के टाइम पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो टाइमर है, इस टाइमर के ऊपर में जो ऑटो मैनुअल वाला स्विच है, इस स्विच को प्रेस करके मैन्युअली इस लैंप को चालू कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले ये जो लॉक वाला सिंबल है, इसको रिमूव करना पड़ेगा इस बटन का इस्तेमाल करने के लिए। तो ये जो कैंसिल वाली बटन है, इसको हमें 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करते ही हमारा लॉक वाला सिंबल चला जाएगा और इसके जाने के बाद यहाँ पे जो ऑटो मैनुअल वाला स्विच है, इसको हमें प्रेस करना पड़ेगा। इसको प्रेस करने पे आप देखोगे ये जो यहाँ पे ऑफ लिखा था, ऑटो में चला गया। एक बार और प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ऑन आ गया। अब यहाँ पे यदि मुझे इसको ऑफ करना है तो मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ऑटो आ गया। इसके बाद दोबारा प्रेस करूंगा तो ऑफ आ जाएगा, यानी कि लैंप को ऑफ कर देगा। अभी आप देख सकते हो कि मैं इस टाइमर के बटन का इस्तेमाल करके इस लैंप को मैन्युअली चालू और बंद कर रहा हूँ। अब यदि आप चाहते हो कि इस टाइमर का जो बटन है, इसका उपयोग करके बाईपास ना करना, कहीं दूर बैठे ही इस टाइमर को बाईपास करने के लिए, तो उसके लिए आपको एक सेलेक्टर स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेलेक्टर स्विच के द्वारा हम इस टाइमर को बाईपास करेंगे। तो ये जो सेलेक्टर स्विच है, इसका वायरिंग कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं। तो जो भी आप सेलेक्टर स्विच इस्तेमाल करोगे, उस सेलेक्टर स्विच के बैक साइड में एनो कॉन्टेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 एनो कॉन्टेक्ट को कनेक्ट किया गया है। तो इस सेलेक्टर स्विच के इनपुट टर्मिनल पर आपको 2 वायर को कनेक्ट करना होगा। एक वायर आपका फेज सप्लाई के लिए होगा और दूसरा वायर आपका न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए होगा। अब इस सेलेक्टर स्विच के बैक साइड में आपको 2 वायर कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे एक ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देता हूँ आउटपुट न्यूट्रल सप्लाई के लिए और एक येलो वायर को कनेक्ट कर देता हूँ आउटपुट फेज सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे जो ये 2 टर्मिनल है, L और N, इन 2 टर्मिनल के साथ हम इन दोनों वायर को ले जाके कनेक्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इनको कनेक्ट कर देता हूँ। अब इनको कनेक्ट करने के बाद ये जो बाकी के 2 वायर है, इन दोनों वायर को ले जाके आउटपुट लोड के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि न्यूट्रल सप्लाई के साथ न्यूट्रल वाले वायर को कनेक्ट करिएगा और फेस सप्लाई के साथ फेस वाले वायर को कनेक्ट करिएगा। यदि आप उल्टा कनेक्शन कर दोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ओके, तो हमने इस सेलेक्टर स्विच के द्वारा टाइमर को बाईपास करने के लिए कनेक्शन कर दिए। अब इस टाइमर का वर्किंग को समझने से पहले इसका प्रोग्रामिंग किस प्रकार से किया जाएगा उसको समझ लीजिए। इस टाइमर में प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको पावर सप्लाई को ऑन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइमर के अंदर में एक बैटरी लगा होता है। बैटरी के द्वारा आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। जब आप इस टाइमर को पहली बार इस्तेमाल करने जाओगे तो इसमें आपको टाइम सेट करना पड़ता है। तो ये जो क्लॉक वाली बटन है, इसको एक बार प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करने के बाद आवर वाले बटन को प्रेस करिए। इसको प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आवर वाला टाइम चेंज हो रहा है। जितना भी टाइम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे 21 कर दिया, यानी कि रात के 9 बज रहा है। ओके, इसके बाद मिनट को चेंज करने के लिए मिनट वाले बटन को प्रेस करके आप मिनट को चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 21:25 का टाइम सेट कर दिया। इसके बाद हमें डे सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा दिन चल रहा है। अभी वेनेसडे यहाँ पे शो कर रहा है, इसको चेंज करने के लिए वीक वाले बटन को प्रेस करिए।
यहाँ पे थर्सडे आ गया, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, तो यहाँ पे संडे सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट करने के बाद आप क्लॉक वाले बटन को प्रेस कर दीजिए, आपका प्रोग्रामिंग सेव हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको इस टाइमर में टाइम सेट करना है कि आपको इस टाइमर के द्वारा आपके लोड को कितने बजे चालू और बंद करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे सेटअप वाले बटन को प्रेस कर दीजिए। इसको प्रेस करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे वन ऑन लिखा हुआ आ गया, यानी कि पहला प्रोग्रामिंग हमें करना है लोड को चालू करने के लिए। तो आवर वाले बटन को प्रेस करके यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा था, मैंने यहाँ पे 9 बजे रात का टाइम सेट किया था, तो 9 बजे का टाइम सेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं मिनट सेट कर देता हूँ 27, तो यहाँ पे 9:27 पे हमारा जो लोड है वो ऑन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे डे को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डे को सेलेक्ट करने के लिए वीक वाले बटन को प्रेस करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडे आ गया। मंडे का मतलब कि ये जो हमारा टाइम है, इस टाइम पे केवल मंडे को ही हमारा टाइमर लोड को ऑन करेगा। इसको दोबारा प्रेस करोगे तो ट्यूजडे आ गया। इसी प्रकार से आपको अलग अलग डे सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे 3 दिन दिखा रहा है, मंडे वेनेसडे फ्राइडे का प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, इसी प्रकार से जो भी आपको सेलेक्ट करना हो कर सकते हो। अभी के टाइम पे मैं यहाँ पर मंडे से लेके संडे यानी कि पूरे दिन इस टाइम पे लोड को चालू करने के लिए प्रोग्रामिंग कर दिया। ओके, इस प्रोग्रामिंग को करने के बाद आपको सेट करना है कितने बजे आपको लोड को ऑफ करना है। तो इसके लिए आपको दोबारा से सेटअप वाले बटन को प्रेस करना है। इसको प्रेस करते ही आप देखोगे यहाँ पे वन ऑफ आ गया, यानी कि पहला प्रोग्रामिंग को ऑफ करने का टाइम सेट करिए। तो यहाँ पे हमने सेट किए थे 21:27 ऑन करने का, तो इससे हम यहाँ पर 21:29 का टाइम सेट कर देते हैं लोड को ऑफ करने के लिए। इसका टाइम सेट करने के बाद डे को सेलेक्ट कर लीजिएगा, और डे को सेलेक्ट करने के बाद सेटअप वाले बटन को प्रेस कर दीजिएगा तो सेकेंड प्रोग्रामिंग आ जाएगा। सेकेंड प्रोग्रामिंग भी आप सेम तरीके से कर सकते हो। तो अभी के टाइम पे हम केवल इतना प्रोग्रामिंग कर देते हैं, इसके बाद क्लॉक वाले बटन को प्रेस करके बाहर निकल के आ जाऊंगा। तो इस टाइमर का प्रोग्रामिंग कैसे किया जाएगा उसको आपने समझ लिए। अब यहाँ पे हम इसका वर्किंग को समझ लेते हैं। तो वर्किंग को समझने से पहले यहाँ पे हमें दोबारा से टाइम सेट करना होगा, क्योंकि फिलहाल के टाइम पे टाइम हो गया है 9:33। तो यहाँ पे हमें ऑन टाइम 35 सेट करना होगा, और ऑफ टाइम यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 36। ओके, तो यहाँ पे टाइम सेट हो गया और मैं बाहर निकल के आ गया। अब जैसे ही यहाँ पे टाइम 9:35 होगा, हमारा लोड ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा 35 होते ही हमारा लोड ऑन हो चुका है। अब ये जो लोड है, ये लोड हमारा 1 मिनट के लिए चालू रहेगा, क्योंकि हमने इस टाइमर में 1 मिनट का टाइम सेट करके रखे हैं। तो जैसे यहाँ पे 36 होगा, लोड ऑटोमेटिकली हमारा ऑफ हो जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा, जैसे 36 हुआ, लोड हमारा ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया। ओके, तो ये हो गया हमारा टाइमर के द्वारा लोड को चालू करने का और बंद करने का प्रोग्रामिंग। अब यदि आपको इस टाइमर को बाईपास करना है, यानी कि आप चाहते हो कि डायरेक्टली इस लोड को चालू करना, तो इस सेलेक्टर स्विच को केवल आप ऑन कर दीजिए। इसको ऑन करते ही आपका लोड ऑन हो जाएगा। यहाँ पे ऑन करने का सिस्टम ये है कि आपका जो यहाँ से इनकमिंग पावर सप्लाई है वो इस पॉइंट पे कनेक्ट है, तो इसी पॉइंट से हमने पावर सप्लाई इस सेलेक्टर स्विच को दिए हैं। तो इसको ऑन करने के बाद पावर सप्लाई यहाँ से डायरेक्टली आउटपुट टर्मिनल पे चला जा रहा है, यानी कि डायरेक्टली पावर सप्लाई यहाँ से यहाँ पहुंच गया और लोड को चला गया, तो हमारा लोड ऑन हो जा रहा है। इसको ऑफ करने पे लोड हमारा ऑफ हो जाएगा, इसको चालू करने पे लोड हमारा चालू हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।